प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चिंता जाहिर की है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने शिमला में गुड़िया प्रकरण, बद्दी में बैग में महिला की लाश मिलना, बिलासपुर में महिला डॉक्टर की हत्या, ये सब मामले प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार गंभीर नहीं है और हर दिन बलात्कार, हत्या और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार माननीय उच्च न्यायालय को दो मामलों में गुड़िया प्रकरण और वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच के आदेश करने पड़े। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं, चोरी, डकैती, हत्या को आत्महत्या बदलने के मामले, बिलासपुर में डॉक्टर ज्योति ठाकुर की हत्या, उसको आत्महत्या बदलने का प्रयास, तारा देवी के पास एक महिला को बेहोशी की हालत में मिलना और बाद में उसका देहांत हो जाना, और आज जैसे आपने कहा कि बद्दी में एक महिला कर्मचारी की लाश मिली है, तो इस बात की द्योतक है कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में क्या हो गई है और समाज विरोधी तत्व कितने सक्रिय है हत्या करने में, लूटपाट में और बलात्कार करने में। इस सरकार को सत्ता में रहने का अब एक क्षण भी अधिकार नहीं है। पार्टी की बातों पर सर, विजिलेंस जांच हो रही है एचआरटीसी की घटिया पुर्जे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। तो 5 साल से कांग्रेस सरकार के हर विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे, बार बार मुद्दे उठाते थे, तब तो उसमें ख्याल नहीं आया। अब इनका पार्टी का अपना झगड़ा चल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं। गौरतलब है कि बिलासपुर में डॉक्टर ज्योति ठाकुर की हत्या और उसको आत्महत्या में बदलने का प्रयास, तारा देवी के पास एक महिला का बेहोशी की हालत में मिलना और बाद में उसका देहांत हो जाना, और बद्दी में सफाई कर्मी को कूड़े के ढेर के पास महिला का शव बैग में मिला है, ये इस बात को दर्शाते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में क्या है और असामाजिक तत्वों के हौसले प्रदेश में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती और बलात्कार करने में बड़े हुए हैं। इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।